announce our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crores across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Akhavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के सबसे बड़े निजी सेक्टर के उद्योगपति गौतम अदानी ने एक बार फिर से बिलेनियस की लिस्ट में छलांग मारी है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है, जो उनके पक्ष में आया था। उच्चतम न्यायालय ने अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच को 3 महीने में पूरा करने का आदेश दिया था। हाल ही में गौतम अदानी ने अपने प्रतिद्वंदी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है, जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार है। अदानी वर्तमान में ब्लूमबर्ग के वैश्विक बिलेनियर इंडेक्स पर 12वें स्थान पर हैं, जबकि अंबानी 13वें स्थान पर हैं। गौतम अदानी ने पिछले एक साल में धन अर्जन और हानि के मामले में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। जब से हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 जनवरी में उनकी कंपनी के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने अपने नेट वर्थ का 34% से अधिक हिस्सा खो दिया था, जबकि उनकी कंपनी का बाजार मूल्य 150 अरब डॉलर से अधिक घट गया था। अदानी हिंडनबर्ग विवाद की शुरुआत 2023 के जनवरी में हुई थी, जब एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अदानी समूह और उसके अध्यक्ष गौतम अदानी को कॉरपोरेट और वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया था कि अदानी समूह के कुछ विदेशी सहयोगी कंपनियां अस्तित्वहीन हैं, जिनके साथ अदानी समूह ने अपने आय को बढ़ाने के लिए अनैतिक लेन देन किए हैं। इन कंपनियों के मालिक और निदेशक भी अदानी समूह के कर्मचारी या सहयोगी हैं, जिन्हें अदानी समूह ने अपने बोर्ड में नियुक्त किया है। इस पर सफाई देते हुए अदानी समूह ने बताया कि जो तथ्य और रिसर्च वे बता रहे हैं, वे असत्य और अपूर्ण हैं, और उनका उद्देश्य अदानी समूह की छवि को बिगाड़ना, उनके शेयरों को गिराना है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किसी भी सबूत, स्रोत या प्रमाण का उल्लेख नहीं किया है, जो उनके आरोपों को साबित कर सके। साथ ही समूह ने कहा कि वे अपनी पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए अपनी सभी वित्तीय और वाणिज्यिक जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है। उन्होंने अपने विदेशी सहयोगी कंपनियों के बारे में भी सभी विवरण प्रदान किए हैं, जो कि वैध और स्वीकृत हैं। उन्होंने अपने निवेशकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों को आश्वस्त किया है कि उनका कोई भी अधिकारी या हित प्रभावित नहीं होगा। वे अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अदानी समूह के खिलाफ इस रिपोर्ट के आधार पर कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें से कुछ उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गयी। याचिकाकर्ताओं ने अदानी समूह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी संपत्ति, टैक्स चोरी, घोटाले और अन्य अपराधों का आरोप लगाया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से एक विशेष जांच टीम SIT गठन करने और अदानी समूह के खातों और संपत्तियों को जब्त करने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को सुनते हुए 2024 के जनवरी में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें वो अदानी समूह के पक्ष में फैसला दिया। उच्चतम न्यायालय ने SIT की आवश्यकता को खारिज करते हुए
भारतीय बाजार नियामक अर्थात सेबी को अदानी समूह की जांच को 3 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उनकी शक्ति सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने की सीमित है और उन्होंने इस रिपोर्ट के कारण निवेशकों को हुए नुकसान के बारे में बात की। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अदानी समूह के शेयरों में तेजी आई, जिससे उनका बाजार मूल्य में भारी वृद्धि हुई। इससे गौतम अदानी का नेटवर्थ भी बढ़ गया और वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने नेटवर्थ में केवल एक दिन 7.7 अरब डॉलर की वृद्धि की, जबकि उनका कुल धन 13.3 अरब डॉलर बढ़ा। वे दुनिया के सबसे बड़े धन अर्जन करने वाले व्यक्ति बन गए, जबकि मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर थे, जिन्होंने अपने नेटवर्थ में 10 अरब डॉलर। गौतम अदानी ने अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा खनन बंदर का एयरपोर्ट, डाटा सेंटर, डिफेंस और अन्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है। उन्होंने भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। उन्होंने अपने सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया है और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में अनेक पहल। अदानी हिंडनबर्ग विवाद ने गौतम अदानी के धन और प्रतिष्ठा को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने इसे अपने पक्ष में मोड़ने का काम कामयाबी के साथ किया। उन्होंने अपने व्यावसायिक नेतृत्व, विश्वसनीयता और उद्यमशीलता का परिचय दिया और भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। उन्होंने अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को साबित किया और अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा किया। वे अब भारत के विकास और समृद्धि के लिए एक प्रेरणा और एक महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।